ब्रेक के बाद बताऊंगी। आप अभी सोलांग वैली देख लो, आप सोलांग वैली में पहुंच गए हैं। आप यहाँ पे पैराशूटिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, और स्केटिंग कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। विंटर्स में यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, स्कीइंग वगैरह होती है। खैर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, व्यू इतना सुंदर होता जा रहा था कि जो मूड कल ख़राब हुआ था ना कि हम जा नहीं सकते स्पीति वैली, वो आज मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो कोई नहीं, जितना है उसी में खुश हो जाना चाहिए। तो हम आ गए हैं टनल में, बहुत ही अमेजिंग मतलब बना रखी है, बिल्कुल साफ सुथरी, हर चीज़ बहुत ही फर्स्ट क्लास थी। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। किसी ने सही कहा है कि टनल के बाद जो नज़ारा है, ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया में आ गए हो। मतलब सिर्फ 15 मिनट में दुनिया एकदम ऐसे मतलब अलग सी हो जाती है। जब मुझे पता चला कि अब हम स्पीति नहीं जा सकते, तो मैंने ढूंढा कि अब हम टनल पार करने के बाद कौन सी जगह जा सकते हैं। तो दो जगह थी, एक सिसु और केलोंग। सिसु पहले आता है, उसके बाद केलोंग आता है। ये जब ले की तरफ आप जाते हैं, तो ये दोनों विलेज वैली जो उसी रास्ते में आती हैं। पर अभी मुझे स्पीति की तरफ जाना था, तो हमने लिया राइट, जो कि राइट साइड स्पीति वाला रास्ता है। तो मेरे को थोड़ा सा देखना था कि कैसा दिखता है, तो बस इसलिए हम लोग इधर आए थे। व्यू दिखा, हम वहीं रुक गए, वहाँ हमने फोटोज़ क्लिक करी और थोड़ा नज़ारा लिया। ये है चेनाब रिवर, इसका पानी थोड़ा डार्क रहता है। चलो मैं अभी ये बताती हूँ कि हम लोग स्पीति क्यों नहीं गए। एक्चुअली जब ये लोग बाइक सही करवाने गए, तो उन्होंने पता किया वहाँ पे कि कैसे जा सकते हैं, क्या करना होगा, टैंक मतलब फ्यूल लेके जाना पड़ेगा या वहीं जाके मिल जाएगा। तो पता चला कि टनल से आप फ्यूल लेके नहीं जा सकते, मतलब खाली कैन, तो वहाँ से जब आते हैं लोग तो खाली कैन लेके आ सकते हैं, पर भरा हुआ लेके नहीं जा सकते, बैन है। और काजा में जो पेट्रोल पंप है, उसमें लक की बात है कि आपको मिल जाएगा पेट्रोल या नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार होता है कि वहाँ पे वेट करना पड़ता है, 3-4 दिन के बाद वहाँ पे मतलब तेल आता है, तो ऐसा सीन रहता है। तो हमारे पास सिर्फ 4 डेज थे, हमें 2 दिन वहाँ रुकना था पिती, और तीसरे दिन हम लोगों को वापस आना था, तो हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे। पूरा लेह लद्दाख टाइप ही है।
बाप रे, चलती बाइक से वीडियो बनाना तो बहुत ही खतरनाक है। ये वीडियो बस मैंने इसलिए बनाया था कि मैं गई हूँ साथ में, ऐसा नहीं कि कोई और ये है। बस है कि ये सेकंड्स जो थे ना मेरे बहुत खतरनाक थे। मेरा फोन ऐसे हवा में डगमगा रहा था, मैंने कहा बस बहुत हो गया। नॉर्मल वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं हो रही थी, इजीली बना रही थी। सड़कें क्योंकि बहुत ही सही थी। बस सिसु जाते हुए हमें सिर्फ दो पैचेस मिले थे, एक तो ये है, एक आपने इससे पहले देखा होगा, वो तो फिर भी ठीक, मतलब ठीक ही था, नॉर्मल सा था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सड़कें बहुत बढ़िया बना रखी हैं, मतलब इसीलिए मैं हिमाचल में घूमना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि सड़कें बहुत अच्छी मिलती हैं। यार तो ठंडी भी नहीं है। तो हम लोग सिसु पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था और ये पॉपुलिस की ट्री इतने अच्छे लग रहे थे। मतलब हमें एक्चुअली पता नहीं था कि ये सिसु है। मैं कह रही ये सुंदर सी जगह, जरूर कोई जगह तो होगी, देखते हैं जरा कि क्या है। मैंने देखा तो हम तो सिसु ऑलरेडी पहुंच गए और हमें वहीं जाना था, तो अच्छा हुआ हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया और मैंने मैप में देख लिया, तो इसलिए हम लोग पहुंच गए, आगे नहीं निकले। वरना कोई नहीं, वैसे हम केलोंग चले जाते, इससे आगे केलोंग था, पर यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया हम लोगों को। बिल्कुल ठंड नहीं थी एक्चुअली। ये दिन है 1 अक्टूबर का, तो हम लोगों को बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था। इवन टनल इतनी ठंडी थी तो डर लग रहा था कि आगे पता नहीं कितना ठंडा होने वाला है, हमारी वाट लगने वाली है। ये सिसु लेक है। तो सिसु में ब्रेक लेने के बाद हमने यहाँ पे खाना वाना खाया, बहुत टेस्टी सब चीज़ें मिली थी, मैगी, फ्राइड राइस, बहुत काफ़ी चीज़ें थी, आप ऑप्शन थे वहाँ पे खाने के। फिर हम लोग निकले मॉनेस्ट्री देखने के लिए, जो कि मैं पहले से ढूंढ के लाई थी कि अगर हम लोग केलोंग नहीं जा पाएंगे तो सिसु में क्या क्या देखना है। एक तो लेक थी और मतलब सुंदर व्यू तो था ही। फिर हमने मॉनेस्ट्री ढूंढी, वहाँ पे मॉनेस्ट्री नाम से कोई समझ नहीं रहा था, बस मतलब समझ तो रहे थे वो, पर हम लोग को बता रहे थे कि आप गोम्पा ढूंढ रहे हो, गोम्पा। तो पहले तो हमें कैच ही नहीं हुआ कि गोम्पा क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि मॉनेस्ट्री को गोम्पा बोलते हैं। इवन हम लोग लद्दाख गए हैं, वहाँ पे हमने ये नहीं सुना था। खैर छोटी सी मॉनेस्ट्री थी, हमें अच्छा लगा, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा रहा था क्योंकि ये हाइट पे थी। पर सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे गया, जो ठंडी हवा, बिल्कुल ऐसे बहुत ही ठंडी हवा थी, एकदम से ठंडा हो गया था। तो बस हमें ये लग रहा था कि फटाफट हम लोग रूम पे जाएं, सूप ऑर्डर करें और गरम गरम पिए उसे। एकदम से ठंड सी लगने लग गई थी।
लोग पहुंच गए हैं मॉनेस्ट्री में। छोटी सी मॉनेस्ट्री थी पर अच्छी थी, यहाँ हाइट पे थी बहुत, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ से। नीला नीला आसमान, खिली हुई धूप, पीछे बादलों के सूरज डूबा हुआ, और जो रोशनी आ रही थी उस तरफ से, ऐसे बादल आ रहे थे जैसे कॉटन कैंडी सी लग रही हो। मतलब जैसे ही हमने टनल क्रॉस करी, मतलब हम लोग एकदम हैरान, मतलब नज़ारा एकदम चेंज, बादल ही बादल हर जगह। जो आते हुए पहाड़ इतने सुंदर हरे हरे दिख रहे थे, वो बिल्कुल बादलों से ढके हुए थे। मतलब हैरानी हो रही थी, रात भर बहुत बारिश हुई थी। खैर, अगले दिन हम लोग जोगनी वाटरफॉल घूमने के बाद शिमला निकल गए थे। वैसे हमारा प्लान था कसौल जाने का, मणिकरण जाने का, पर ज़्यादातर लोगों ने बोला कि चलो शिमला चलते हैं, तो फिर हम लोग शिमला निकल गए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो शिमला का होगा, तब तक के लिए बाय बाय।